हाय गाइस, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं ऐसे ही बैठा हूँ, तैयार भी नहीं हुआ हूँ। आज का ब्लॉग जो है मेरे रूम से शुरू हो रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये मेरा रूम है। तो गाइस देखिए, सामने पीछे एसी नज़र आ रहा होगा, एसी और इधर फैन दोनों ही चल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। आज चेहरे पर कुछ ज़्यादा मुस्कान है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। आज हम छुट्टी के पल अपने रूम में हैं, ब्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है। अब मैं दोस्त से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ आज का क्या प्रोग्राम है, वो क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। पूरे दिन रूम में तो बैठ नहीं सकते ना। तो देखते हैं, पहले दोस्त से पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उसके बाद आज का डिसीजन लेते हैं। आज का ब्लॉग में क्या क्या किया जाए, आप लोगों को क्या क्या दिखाया जाए, कहाँ जाया जाए, सब कुछ अभी फाइनल हो जाएगा। थोड़ा वेट करिए गाइस। देखिए दोस्त यहाँ बैठे हैं, अभी तैयार भी नहीं हुए हैं। आज छुट्टी है, कहीं चलना नहीं है कि यहीं बैठे रहना रूम में? चलना तो है। कहाँ जाना है बताओ, क्या प्लान है एक बार बता दो। ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो आज जाना कहाँ है। अलखोद, लूलू और मार्क एंड सेव, दोनों जगह जाके आना है। हाँ चलो, अब तैयार होते हैं गाइस। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, ये ब्लॉग बहुत स्पेशल बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोस्त भी तैयार नहीं हुए, मैं भी तैयार नहीं हूँ, बहुत लेट हो गया। अब हम तैयार होते हैं, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ, और दोस्त के हाल देखते हैं तैयार हुए नहीं हुए, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। गाइज अगर हम अपने घर में होते, फैमिली में होते, परिवार में होते तो परिवार के साथ घूमने जाते। प्रदेश में है, विदेश में है, तो बस जो भी परिवार समझो, जो भी समझो, भाई समझो, दोस्त होते हैं। तो हम दो दोस्त जा रहे हैं यहाँ से, ये भी तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुका हूँ, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बहुत गर्मी है, आपको मैंने टाइम दिखाई दिया, आपने टाइम देख लिया है, तो बहुत गर्मी, इसलिए मैंने सनग्लास लगा रखा है। अब यहाँ हम रोड रूम से हम निकल रहे हैं बाहर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को कुछ अलग हटके दिखाने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ओमान देश की राजधानी मस्कट से अपने रूम से निकल रहे हैं। चलो जी, लेट्स गो गाइस। पंगा हो गया, चेंज पैसा नहीं है क्योंकि हम टैक्सी से जा रहे हैं ना, टैक्सी वाला चेंज पैसे मांगता है। मामा जी ज़रा एक रियल देना, एक रियल दे दो, आपको मैं आके दूंगा, खुले पैसे नहीं है। देखिए मामा जी बैठे हैं, दिखा नहीं रहा, नंगे बैठे हैं, ये देखो नंगे धड़ंगे बैठे, मैं दिखाऊंगा नहीं। मामा जी एक रियल देना गाइस। पैसे तो मेरे पास हैं लेकिन खुले पैसे नहीं है, टैक्सी वाला खुलाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए एक रियल मामा जी से ले रहा हूँ। ये देखिए, ये है ओमान का पैसा, ओमान का एक रुपया है। इसका इंडिया में होता है 216 रुपये, नेपाल में होता है 340 रुपये के आसपास, पाकिस्तान में इसका होता है शायद 850-900 रुपये। तो इतना पावर है ओमान की इस करेंसी का। तो गाइस जब यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने रूम से मामा जी से एक रियल लेकर। ये दोस्त तो तैयार हो गए, हीरो बन गए, हम हीरो बन गए हैं। देखिए पैसे भी ले लिए टैक्सी के लिए, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये हमारा फ्लैट है, ये फ्लैट के इधर भी कमरे, इधर भी कमरे, बीच में गैलरी। अब हम यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे, लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट फ्लोर में है ना, फर्स्ट फ्लोर से हमें लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीढ़ी में उतर रहे हैं। गाइस फाइनली बाहर आ गए हम, बहुत धूप है तेज, आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, ये देखिए कैसा नज़ारा है देखिए। अब हम यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं, एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। गाइस देखिए यहाँ का नज़ारा, ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इन्हीं बिल्डिंगों में हम रहते हैं। ये जितने भी बिल्डिंग हैं, आठ फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें सब रेंट में किराए में रहते हैं, ओमान देश की राजधानी मस्कट। अब ये पार्किंग है नीचे का जो है, अब हम सामने से टैक्सी पकड़ेंगे, हमारे पास अपनी गाड़ी तो है नहीं, लेकिन उधर से आने के टाइम में दोस्त लेने आएंगे हमें रिसीव करने। दोस्त की गाड़ी तो है लेकिन अभी दोस्त बिजी है, कहीं गए हैं, उन्होंने कहा आप टैक्सी से चले जाइए, लेकिन जब उधर से वापस आएंगे आप तो आपको रिसीव करने आएंगे। तो दोस्तों इधर से तो हम टैक्सी करके जा रहे हैं, उधर से जब हम वापस आएँगे दोस्त हमें गाड़ी लेकर जाएँगे, उसका दोस्त रिसीव करके हमें ले आएँगे। सामने रोड है, हम रोड पर आ गए हैं, अब हम यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और आगे चलेंगे। और यहाँ का रोड भी देख लीजिएगा कैसा है, क्योंकि आपको रोड दिखाना भी ज़रूरी है ना। यहाँ रोड का नज़ारा देखिए कैसा है, देखिए यहाँ का रोड, शायद आपने पहले भी देखा है कई वीडियो में, यहाँ का रोड देखिए ऐसी ऐसा रोड है, साफ़ सुथरा रोड है, बिल्कुल क्लीनिंग है, कोई गंदगी नहीं है। देखिए अब हम यहाँ से रोड को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से रोड को क्रॉस करके सामने से टैक्सी पकड़ेंगे। तो गाइस
दोस्त मजा कर रहे हैं, देखो दोस्त मजा कर रहे हैं, दोस्त की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। हम यहाँ से 300 मीटर आगे चल रहे हैं, आगे टर्न है, यहाँ पर टर्न है, वहाँ टर्न से हमें टैक्सी मिलेगी, यहाँ से टैक्सी अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो मोड़ है, वहाँ से हमें लेफ्ट हैंड को जाना है, तो वहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे, ओमान की टैक्सी। देखिए ये राउंड अबाउट है, यहाँ से लेफ्ट साइड में ये रोड जा रहा है, ये देखिए इसी रोड से हम आगे जाएंगे। ये जो वाइट और ऑरेंज कलर में देख रहे हैं आप, ये ओमान की टैक्सी है। बंस गाड़ी टैक्सी आ गई, अब हम इस टैक्सी में बैठ रहे हैं। फाइनली हम टैक्सी के अंदर बैठ गए हैं, बस यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास हम इस टैक्सी से जाएंगे। यह जो सफ़ेद कंजूरा और सर पे टोपी लगा रखा है, ये ओमानी है, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर है, सिर्फ ओमानी लोग चला सकते हैं ओमान में टैक्सी। गाइस तकरीबन 4 किलोमीटर हम टैक्सी से आए और हम टैक्सी से उतर गए हैं, टैक्सी वालों ने 1 रियल भी नहीं लिया, उससे थोड़ा कम पे लिया, 800 पैसा नहीं है, पैसा लिया उसका होता है इंडियन 160 रुपये के आसपास लिया 4 किलोमीटर का। अब हम यहाँ से जाएंगे ओमान का सबसे बढ़िया मॉल लुलु मॉल, उसके अंदर घूमेंगे। मॉल के अंदर एंट्री कर चुके हैं, अंदर आते बहुत ठंडा है, एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अभी काला चश्मा पहन रखा था, अभी सफ़ेद पहन लिया, क्योंकि बाहर धूप था ना इसलिए मैंने काला चश्मा पहना था। अब अंदर आ गए मॉल के अंदर, यहाँ ज़रूरत नहीं है, धूप नहीं है इसलिए काला चश्मा उतार दिया। देखिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए, हम मॉल के अंदर आ गए, अब यहाँ हम घूमेंगे, आप भी हमारे साथ घूमिए। वीडियो दोस्त यहाँ पर परफ्यूम देख रहे हैं, देखो ये पूरा परफ्यूम का सेक्शन है, परफ्यूम लेने की भी फिराक में है, कौन सा परफ्यूम लेंगे देखते हैं। अभी कितनी प्यारी कंघी है, देखो दोस्त देख रहे हैं कंघी को, लोगे क्या? हाँ नहीं लेंगे। अभी हम मॉल के अंदर ही हैं, दोस्त यहाँ पर कुछ सामान देख रहे हैं, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, घूमने के लिए कुछ सामान देखने के लिए परचेजिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पर हम कुछ। और गुड़ भी लेना है मुझे गुड़ बहुत पसंद है, मैं चीनी खाता नहीं हूँ ना, मैं गुड़ खाता हूँ, तो गुड़ भी यहाँ से लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये सबसे बड़ा मॉल है ये लुलु, ओमान का सबसे ब्रांडेड मॉल है लुलु। अभी हम लुलु हाइपर मार्केट के अंदर हैं, तो गाइस यहाँ गुड़ भी मिलता है यहाँ पर, गुड़ ज़रा दोस्त दिखाएंगे, ज़रा गुड़ उठा देखा हम तो, देखिए गुड़ देखिए आप, ओमान में गुड़ मिलता है यहाँ के मॉल में, यहाँ के हाइपर मार्केट में, आपको गुड़ दिखाता हूँ मैं, रुकिए इधर दिखाओ, ये देखिए ये गुड़ है, ये आधा 1 किलो का, ये 900 ग्राम का, ये 900 ग्राम का, इसका प्राइस मैं आपको नीचे लिख दूंगा, आप देख लेना। किम्बल रखने के लिए ये बैग ले लिया है, 2 रियल का, 2 रियल। घुमाते घुमाते थका दिया, और कितना घुमाओगे, थक गए क्या? थक गए अभी आधा घंटा भी नहीं बहुत देर को घूमती हुई भाई। अभी हम मॉल के अंदर है, देखिए मॉल के अंदर है, मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ जूते देख रहे हैं दोस्त, प्यूमा, कौन सा हाथ में लेके देना, ये दिखा दो, कितने प्यारे जूते, देखिए प्यूमा कंपनी जूते हैं ये। हम फर्स्ट फ्लोर से और नीचे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो ग्राउंड फ्लोर में घूमेंगे, उसके बाद फिर दूसरे वाले मॉल में जाएंगे। यहाँ एप्पल ले रहे हैं, एप्पल ये देखिए, ये एप्पल हैं, 800 पैसा पर केजी, 800 पैसा पर केजी। दोस्त भी ले रहे हैं और मैं भी ले रहा हूँ एप्पल। यहाँ नींबू ले रहा हूँ, ये सीडलेस है, इसके अंदर बीज नहीं होते हैं, बिना बीज के लेमन है ये, इसका रेट है 800 पैसा, 800 पैसा का 1 किलो है। ये ले रहा हूँ मैं आधा किलो नींबू, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, नींबू पानी अच्छा लगता है, ये बहुत बढ़िया नींबू है देखिए। जमीन में ये गुड़ ले लिया, ये बारबेक्यू, 2 बारबेक्यू ले लिया दोस्त ने, ये देखिए ये 2 बारबेक्यू ले लिया और ये गुड़ ले लिया, ये दोनों ने सामान ले लिया, लेकिन इनका मन नहीं भरा, दूसरे मॉल में भी जाएंगे। ये लुलु मॉल को अब एंड करेंगे हम, अब दूसरे मॉल में जाएंगे, चलो चलते हैं। बारबेक्यू पी रहे हैं, बारबेक्यू आप लोग भी आइए बारबेक्यू पीने के लिए, दोस्त भी पी रहे इधर, इधर दिखाना जरा, आप थोड़ा दिखाओ तो सही, दिखा दो इधर, ये बारबेक्यू, इसमें शुगर नहीं होता, शुगर फ्री है ये,
तो गाइज अभी हम एक मॉल से निकल चुके हैं, जो ओमान का सबसे बड़ा मॉल जो मैंने आपको बताया था लूलू, वहाँ से निकल चुके हैं। तो दोस्त कहने लगे एक और मॉल है वहाँ पर, थोड़ा सस्ता सामान भी मिलता है, कुछ ऑफर भी चल रहा है, उस मॉल में भी जाएंगे, वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइज अभी हम एक मॉल से निकल कर दूसरे मॉल में जा रहे हैं, लूलू मॉल से ये मार्क एंड सेव वाले मॉल में जा रहे हैं। इस दोनों मॉल की डिस्टेंस जो दूरी है 300 मीटर के आसपास है, ये 300 मीटर क्या टैक्सी करना, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं चल के, बस पास में ही है, बस करीब, अभी आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। गाइस देखिए वो सामने देखिए मार्क एंड सेव, ये देखिए मार्क एंड सेव, यही मॉल है, बहुत बढ़िया मॉल है, इसके अंदर हम जा रहे हैं, इसके अंदर घूमेंगे, आपको भी दिखाई, देखिए बाहर से नज़ारा इसका, देखिए दो बिल्डिंग के शेप में बना हुआ ये, ये मार्क एंड सेव, बहुत बढ़िया मॉल है, इसके अंदर जा रहे हैं हम। तो गाइज ये एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे इस मॉल के अंदर, अंदर से दिखाएंगे आपको कैसा है मॉल, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर, अंदर जाएंगे, देखिए एलिवेटर से ऊपर जा रहे हैं दोस्त, ये तो इशारा करूँ तो पहले दिखा सू मैं ये ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं देखो। तो एलिवेटर से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुके हैं, ऊपर का नज़ारा देखिए, फर्स्ट फ्लोर पर ऐसा है। यहाँ पर दोस्त ट्रॉली बैग को देख रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े ट्रॉली बैग हैं, बहुत वैरायटीज हैं ट्रॉली बैग के, यहाँ पर ज़्यादा वैरायटीज हैं ट्रॉली बैग के, जो लगेज हैं बड़े वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है। ये दो टॉयज लिया है, ये बोलने वाले टॉयज हैं, जो बोलेंगे वही बोलेंगे, टॉकिंग टॉयज दोनों एक साथ मिला के दिखाना थोड़ा, ये देखो ये ले लिया इन्होंने, ये बच्चे के लिए, ये घर जाने वाले हैं दोस्त, ये ले कर जाएंगे बच्चों के लिए, बच्चे खेलेंगे। ये दोस्त ट्रॉली ले कर आगे जा रहे हैं सामान कुछ और परचेज करने, यहाँ पर ट्राउजर देख रहे हैं, ट्राउजर पसंद कर रहे हैं, कोई पसंद आया क्या, देख रहे हैं अभी अभी तक नहीं आया बोल रहे हैं, देख रहे हैं ट्राउजर, यहाँ पर टी शर्ट देख रहे हैं दोस्त, टी शर्ट की भरमार है, ले लो जो मर्जी ले लो, पीला ले लो, लाल ले लो, काला ले लो, हरा ले लो, सफ़ेद ले लो, बहुत सारे हैं, जो मर्जी ले लो, बहुत टी शर्ट है, टी शर्ट की भरमार है यहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर से नीचे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर नीचे जा रहे हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं, अब यहाँ परचेजिंग करेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे। गाइस देखिए दोस्त ने ये लिया है स्पीकर, वायरलेस ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, इसमें गाना सुनेंगे धमाकेदार बेस आवाज़ में। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में थे, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्त और मैं दोनों। ये एक किलो अंजीर लिया है, अंजीर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, ये एक किलो अंजीर है, ये इसको पानी में भिगो कर सुबह सुबह खाने से बहुत अच्छा होता है। गाइज मेरे दोस्त टूटून भाई आ गए हैं, ये मेरे साथ नहीं थे मेरे ब्लॉग में, जब मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया, जब मेरे दोस्त के साथ स्टार्ट किया था, अब टूटून भाई भी आ गए हैं, देखो अब हमें तीनों एक साथ होंगे, इधर आओ, ये देखिए अभी हम तीनों एक साथ हो गए हैं, अभी एक मॉल के अंदर हैं, यहाँ थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने आए, उसके बाद इंजॉय करेंगे, छुट्टी का दिन मनाएंगे, उसके बाद चलेंगे रूम में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सर्वमिक्स ब्लॉग है सर्वमिक्स ब्लॉग। तो आज की परचेजिंग लगभग हो गई है, अब मॉल से बाहर जाएंगे, परचेजिंग पूरा हो गया है आज का। तो गाइज आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।